वो बिल्कुल अपोजिट है उनके नेचर के हिसाब से कि आ, फैमिली बहुत आ, फैमिली उनके लिए सब कुछ है बहुत प्यार करते हैं उनकी प्रजा उनके लिए सब कुछ है When you love something, कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हो कि ठीक है हैं सो so, आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए जिनका ये साल बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है अदनान एंड मलिका जिन्हें एक नया शो लेकर आ रहे हैं so, सो सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना हमारा बनता ही है कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच सो सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे जो आप लोग ही ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कैरेक्टर का नाम एंड क्या प्ले कर रहे हैं आप लोग uh, मैं प्ले कर रहा हूँ अशोक जो राइट नाउ uh, एक योद्धा है शायद पूरे देश का बेस्ट योद्धा uh, और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है बिकॉज अशोक बिलीव सिर्फ एक चीज में के पावर हासिल करनी है और उसे कैसे हासिल की जा सकती है बातों से नहीं आ, अपनी तलवार से एंड वो कुछ भी करेगा पावर हासिल करने के लिए एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्यारे से रिलेशनशिप्स भी शेयर करता है वो अपने पिताजी के साथ अपने आ, माता के साथ आ, उसके भाइयों के साथ एंड उसका एक बहुत ही ख़ास दोस्त है पवन के साथ सो दिनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड लॉड ऑफ वायलेंस एट लाइक टू से जी Uh, मैं कौरवकी का किरदार निभा रही हूँ जो uh, uh, अशोका से जिनका एक बहुत uh, uh, एक बड़ा कनेक्शन है दोनों की लाइफ uh, जैसी है अभी जैसे uh, अदनान ने बताया कि अब uh, अशोका का जो uh, नेचर है या क्या उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पावर इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कौरवकी को ऐसा दिखाया है कि वो बिल्कुल अपोजिट है उनके नेचर के हिसाब से कि फैमिली बहुत फैमिली उनके लिए सब कुछ है बहुत प्यार करते हैं उनकी प्रजा उनके लिए सब कुछ है उससे बढ़कर कुछ नहीं है उसके बाद सब आता है तो यही बताया जाएगा कि कैसे दोनों की अलग अलग जो बिल्कुल विपरीत जो ज़िंदगी है उसको कैसे आगे जाके उस लाइफ में परिवर्तन होता है तो वो एक जर्नी आपको दिखाई जाएगी आप दोनों की ही अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के ही अलग अलग पैर के साथ आप दोनों की जो जोड़ी है हिट हुई थी सो तो अब यहाँ पर खुद को कैसे दिखाने वाले हो आप दोनों मतलब क्या करने वाले हो बिकॉज जो आएंगे जो स्क्रिप्ट वगैरह रहेगा वो तो आपको स्क्रिप्ट वाइज ही फॉलो करना है शूट के लिए बट आप लोग क्या एफ़र्ट्स डालने वाले हो कि ताकि आप दोनों की जोड़ी दिखे और ऑडियंस एक्सेप्ट कर सके इस नई जोड़ी को वही जो मैंने

तो so, अगर बात करेंगे यहाँ पे अदनान पहले आपका सेट जो था फिल्म सिटी में था अब नायगांव आना है आपको ये भी एक टास्क हो जाता है नायगांव शूट के लिए आना कैसे मैनेज करने वाले बिकॉज नायगांव जो एक्टर्स आते हैं जितना हमें पता है उनकी लाइफ तो पूरी तरह ही बिजी हो जाती है इसमें सो तो कैसे मैनेज करने वाले हो आप मुझे मेरे काम से इतनी मोहब्बत है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरी पूरी लाइफ एक चीज को देने तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम आई एम डूइंग सच टाइम कंज्यूमिंग शो बट उसके अलावा इतना टाइम नहीं लगता यार आई जस्ट फाउंड आउट इट्स नॉट दैट डिफरेंस पहले मीरा रोड में सेट था टेक ना हुआ डिस्ट्रिक से ना हुआ ट्वेंटी ओके बहुत अच्छी बात बोली आपने uh, कि अपने काम को आप समर्पित कर देते हो खुद को जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते बहुत मेहनत है इसके पीछे मेरा ये है कि मेरा मैं मीरा रोड में ही रहती हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा दूर नहीं है एंड ऊपर से अभी एक तो एक जगह सेट नहीं है एक फिल्म सिटी में भी है और एक यहाँ भी है तो अभी इनिशियली पता नहीं है कि कहाँ कब शूट होगा तो उस हिसाब से अभी हम एडजस्ट कर ही रहे हैं प्रॉपर वे स्कैड्यूल बनानी है अगर मैं कॉस्ट्यूम्स की बात करूँ आप लोगों की तो ठंडी का वेदर भी है पूरा एकदम कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग इन्जॉय सो मच ये देखिए ओके लमी पुट दिस वी आर नॉट गेटिंग पेड टू बी कम्फर्टेबल सो आप ये बात बहुत अर्ली ऑन सीख जाते हो दैट यू हैव टू मेक डू विद वॉट यू गॉट एंड अगेन जब अगर मैं आपको आप इस एनालजीज दे के समझाऊँ वैन यू लव सम कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हो कि ठीक है ये सो वट वही कि आप आपने तो ऑलरेडी ऐसे कॉस्ट्यूम्स में बहुत सारे शूट्स कर चुके हैं आपको तो हैबिट है बट स्टिल यहाँ नायगांव का जो वेदर होता है ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है जितना हम लोग क्योंकि हम लोग तो कभी कभी विजिट करते हैं बट आप लोगों को तो डेली करना है देखो आई थिंक नहीं पता चलता है जब आप कॉस्ट्यूम में होते हो जब आप उस कैरेक्टर में होते हो ना तो ये सब चीज़ें आई थिंक मायने ही नहीं रखती हैं ठंड हो गर्मी हो तभी तो आर्टिस्ट वही एक सोच के इंसान एक्टर बनता है तो मैं तो ऑब्वियसली कि आप अपने काम को जब समर्पित कर देते हो ना खुद को तो आई थिंक ये सब चीज़ें फील ही नहीं होती हैं yes. बात करेंगे अगर आपके शो की शो के लिए जब आप दोनों को अप्रोच किया गया जब पता चला होगा आप दोनों की एक दूसरे के साथ आपको लाइक मेन लीड्स में आप दोनों हो जब मिले आप लोग मॉक शूट हुआ होगा आई एम sure. श्योर कैसा रहा आप दोनों का वो एक्सपीरियंस एंड अब तक उस टाइम में और अब तक बॉन्ड कितना अच्छा हो गया आप दोनों का देखिए oh, <coughs> मेरा पहला इंटरेक्शन इनके साथ मॉकशूट पे था एंड मेरा पहला परसेप्शन जो मैंने लिया उस मुलाकात से कि शी इज़ अ गुड एक्टर मेरे को मजा आएगा काम करने में तो देट वॉज जेन्यू सी ओ नाइस ओके आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन देखिए अभी तक हम लोग का शूट तो साथ में हुआ नहीं है सो so, uh, ज़्यादा घुल मिलने का टाइम नहीं मिला है बट जो uh, मैंने परसीव किया मुझे लगता है आई थिंक शी शी इज़ इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट ग्रेट एक्टर सो इट्स बी फन मैंने मैंने बहुत सुना है मैंने इनका काम भी देखा है ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इनसे मैं इतने टाइम में भी मैं बहुत जितना ऑब्जर्व किया है बहुत अगेन uh, बहुत टैलेंटेड है बहुत हार्ड वर्किंग है और जब कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं बहुत ऑब्जर्वेंट भी हैं कि हर चीज़ को ग्रास्प करना जल्दी वो तो मैं भी सीख ही रही हूँ धीरे धीरे और आई एम होपिंग टू जस्ट वर्क एंड एक्सप्लोर मोर ऑन सेट्स एंड लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड एवरी थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपका शो ऐसे ही धमाल मचा दे जैसे आपने पहले धमाल मचाया है